नमस्कार दोस्तों, असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए किसी करदाता पर टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी कब आती है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आज की इस वीडियो से दोस्तों, मैं आपके समक्ष इसी प्रश्न का उत्तर डिराइव करने की कोशिश करूंगा कि क्या आपका टर्नओवर 1 करोड़ प्लस होगा तो ऑडिट लागू होती है, 2 करोड़ प्लस होगा, 3 करोड़ प्लस होगा, 10 करोड़ प्लस होगा। ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजिंग आंसर्स यहां बने रहते हैं, तो आइए आगे की चर्चा में हम क्लैरिटी डेवलप करने की कोशिश करते हैं कि वित्त वर्ष 23-24 असेसमेंट ईयर 24-25 में कब किसी करदाता पर टैक्स ऑडिट लागू होगी। दोस्तों, सबसे पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि टर्नओवर, ग्रॉस रिसीट या टोटल सेल, ये वो अमाउंट है, ये वो टर्म है जिनकी राशि पर डिपेंड करता है कि क्या आप पर टैक्स ऑडिट लागू है या नहीं। एक और इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि टैक्स ऑडिट क्राइटेरिया डिपेंडिंग अपॉन द बिजनेस एंड प्रोफेशन डिपेंड करता है। यानी आप बिजनेसमैन हैं तो आपका क्राइटेरिया टैक्स ऑडिट के लिए अलग होगा, यदि आप प्रोफेशनल हैं तो टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होने का क्राइटेरिया डिफरेंट होगा। प्राइमा फेसाई थंब रूल ये है कि जिस भी बिजनेस में टोटल सेल, ग्रॉस रिसीट, टर्नओवर 1 करोड़ प्लस है, टैक्स ऑडिट निश्चित रूप से लागू होगी। लेकिन कालांतर में, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, गवर्नमेंट ने इस 1 करोड़ की लिमिट में कुछ रिलैक्सेशन दी। ऐसा नहीं है कि 1 करोड़ की लिमिट लागू नहीं है, अभी भी लागू है। से फॉर एग्जाम्पल, यदि आपकी कमीशन से इनकम है, 1 करोड़ प्लस की कमीशन है, तो आप पर टैक्स ऑडिट प्राइमा फेसा ही लागू है। लेकिन बाद में सरकार ने इस लिमिट को बढ़ा के 5 करोड़ भी किया और 10 करोड़ भी किया, और वर्तमान में ये लिमिट बढ़ा के 10 करोड़ उन केसेस में की गई है जहां पर आपकी टोटल रिसीट के 5% से ज्यादा नकद रसीद नहीं है। इसी प्रकार टोटल पेमेंट के 5% से ज्यादा नकद पेमेंट नहीं है। यदि आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, 5% ऑफ टोटल रिसीट, 5% ऑफ टोटल पेमेंट बीइंग विद इन कैश लिमिट, देन इन दैट केस आप 10 करोड़ तक के लेवल पर भी टैक्स ऑडिट में नहीं आएंगे, यानी 10 करोड़ प्लस पर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगी। हाँ, एक बात आपको ध्यान रखना है कि ये जो 10 करोड़ की लिमिट है यहां पर, ये बिजनेसमैन के लिए लागू है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो एचयूएफ हो, चाहे वो पार्टनरशिप फॉर्म हो, एलएलपी हो, या कंपनीज भी इस 10 करोड़ तक की लिमिट का बेनिफिट उठा सकती हैं। अब दोस्तों, बात करता हूं कि प्रोफेशन के केस में, यानी आपने अगर कोई पेशे से आय कमाई है, तो कब आप पर टैक्स ऑडिट लागू होगी। इसका बेसिक क्राइटेरिया आपकी ग्रॉस रिसीट्स क्या है। प्रोफेशन को दोस्तों इनकम टैक्स लॉ 2 भाग में विभक्त करता है, विभाजित करता है। क्या आप स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स हैं या नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स हैं। स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स का उदाहरण समझिएगा, चार्टर अकाउंटेंट जो प्रैक्टिस में हो, कंपनी सेक्रेटरीज, डॉक्टर्स, लॉयर्स, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डेकोरेटर्स, डिजाइनर्स, आई कैन से इंटीरियर डिजाइनर्स नॉट डेकोरेटर्स। इसी प्रकार अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन मेरे हिसाब से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्षेत्र में काम कर रहा हो, कोई फिल्म एक्टर्स या एक्ट्रेसेस हो, उनके केस में भी टैक्स ऑडिट के लिए स्पेसिफाइड प्रोफेशनल उन्हें माना जाएगा। अब पहला थंब रूल ये कहता है कि किसी भी प्रोफेशनल को, चाहे वो स्पेसिफाइड प्रोफेशनल हो या नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशनल हो, 50 लाख प्लस की ग्रॉस रिसीट होने पर ऑडिट लागू होती है, 50 लाख तक की रिसीट पर ऑडिट लागू नहीं होगी। वित्त वर्ष 23-24 से भारत सरकार ने यह बोला कि यदि आप स्पेसिफाइड प्रोफेशनल हैं और आपकी टोटल रिसीट के 5% से ज्यादा कैश रिसीट नहीं है, तो इवन 75 लाख तक भी आप सेक्शन 44 ADA के प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन का बेनिफिट लीजिए और आप बिना टैक्स ऑडिट कराए आगे बढ़ सकते हैं। तो प्रोफेशन के केस में 2 क्राइटेरिया बन गए, 50 लाख प्लस एंड इन सर्टेन केसेस 75 लाख प्लस। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, 44 AD के केस में टैक्स ऑडिट कब लागू है। तो यहां इस बात को ऐसा समझिएगा कि सेक्शन 44 AD में दोस्तों एक सबसेक्शन 4 है, वो ये कहता है कि वेयर अ पर्सन कैरिंग ऑन एलिजिबल बिजनेस फॉल्स इनटू सेक्शन 44 AD एंड हिज इनकम एक्सीड्स द मैक्सिमम अमाउंट व्हिच इज नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स, देन टैक्स ऑडिट विल बी एप्लीकेबल। अब ये सीखने की बात है कि 44 AD सबसेक्शन 4 क्या बोलता है, उस पर आगे चर्चा करूंगा, परंतु उससे पहले ये जरूर कहूंगा कि 44 AD की एक थ्रेशोल्ड लिमिट है 2 करोड़। यानी अगर आप फॉर एन एग्जाम्पल होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, गुड्स में डील करते हैं, सेवाएं प्रदान करते हैं, पर आप प्रोफेशनल नहीं हैं, तो आप 2 करोड़ तक की ग्रॉस रिसीट पर भी टैक्स ऑडिट के लिए लागू नहीं है, एज्यूमिंग दैट आप 44 AD में आ रहे हैं। वित्त वर्ष 23-24 से एक आ गया कि 2 करोड़ की जगह 3 करोड़ तक भी आप 44 AD का ऑप्शन ले सकते हैं, प्रोवाइडेड आपकी टोटल रिसीट के 5% से ज्यादा रिसीट्स नकद नहीं है। यानी ऐसे सभी करदाता जो 44 AD में आते हैं,
यदि वो 2 करोड़ प्लस के टर्नओवर पे जाते हैं या नई व्यवस्था में किस केसेस में 3 करोड़ प्लस पे जाते हैं तो टैक्स ऑडिट लागू होगी, नहीं तो नहीं। अब आप मुझे टोकेंगे नहीं अनूप जी, 10 करोड़ तक भी ऑडिट नहीं लागू है। बिल्कुल सही है सर, प्रोवाइडेड आप जो रिस्पेक्टिव कंडीशन 5% ऑफ टोटल रिसीट कैश एंड 5% ऑफ टोटल पेमेंट का कैश, यदि इस थ्रेशोल्ड को एक्सीड नहीं करेंगे तो इवन 10 करोड़ तक के लेवल पर भी आप बिना टैक्स ऑडिट चल सकते हैं। अब मैंने आपसे चर्चा की थी 44AD सबसेक्शन 4 की, तो उसको थोड़ा सा लॉ से कैसे वो बोलता है सेक्शन लिखा क्या है वो पढ़ता हूं। वेयर एन एलिजिबल एसएससी डिक्लेयर्स प्रॉफिट फॉर एनी प्रीवियस ईयर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन एनी डिक्लेयर्स प्रॉफिट फॉर एनी ऑफ द 5 असेसमेंट ईयर रिलेवेंट टू द प्रीवियस ईयर सक्सीडिंग सच प्रीवियस ईयर नॉट इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 ही शैल नॉट बी एलिजिबल टू क्लेम द बेनिफिट ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन For the 5 assessment year subsequent to such assessment year relevant to the previous year in which such profit has not been declared in accordance with provisions of subsection 1. हो सकता है मेरी इस रीडिंग से आपको बात क्लियर नहीं हुई हो, पर एग्जाम्पल से क्लियर होगी दोस्तों। सपोज असेसमेंट ईयर 22-23 में एक व्यक्ति का 1 करोड़ का टर्नओवर था, उसने 44AD का बेनिफिट ले लिया। असेसमेंट ईयर 23-24 में उसका टर्नओवर बढ़ के 1 करोड़ 25 लाख हो गया, पर वो एसएससी बोला नहीं नहीं साहब मुझे 44AD नहीं लेना, मुझे 6% मार्जिन से नहीं चलेगा, मेरा मार्जिन 2% ही था। तो उन्होंने किताबें बनाई, ऑडिट कराई। इस साल असेसमेंट ईयर 24-25 में उनका टर्नओवर 1.5 करोड़ हो गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 1.5 करोड़ का टर्नओवर है, प्राइमा फेसाई आप देख रहे हो 44AD में आते हो, लेकिन क्योंकि पिछले साल आप 44AD में होने के बावजूद जंप किए थे बाहर, तो अब अगले 5 साल तक आपको किताबें बनानी है 44AA में और ऑडिट करानी। तो एक तरीके से क्राइटेरिया क्या बनता जा रहा है कि जो 44AD का ऑप्शन लेते हुए चल रहा है उसको तो हो सकता है 2 करोड़ क्या 3 करोड़ तक भी ऑडिट नहीं करा, लेकिन जिसने 44AD में होने के बावजूद और एक बार 44AD लेने के बावजूद 44AD स्किप मारी, तो जिस ईयर में स्किप मारी यानी लोअर मार्जिन ऑफर किया उस ईयर में ऑडिट और उससे अगले 5 साल में भी ऑडिट करानी पड़ेगी। ये एक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट लॉ की बनती है। दोस्तों अब चर्चा करता हूं सेक्शन 44ADA जो स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स के केस में लागू है, और वो ये कहती है कि 50 लाख तक की ग्रॉस रिसीट पर आप 50% ऑफर कर दीजिए। मान लीजिए कोई प्रोफेशनल मेरे जैसा कहता है कि नहीं साहब मेरा मार्जिन 50% नहीं है, इससे भी कम है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका मार्जिन इससे कम है तो आप बुक्स मेंटेन करिए, ऑडिट कराइए, दैट्स हाउ यू कैन गो इनटू लोअर मार्जिन ऑल्सो। तो आप दो तरीके समझिएगा कि टैक्स ऑडिट डिसाइड करने के लिए एक क्राइटेरिया है टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट को एक्सीड करना, और दूसरा क्राइटेरिया 44AD4 या 44ADA में कि टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट तो आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट में आ रही है, लेकिन आप कह रहे हो जी मेरा लोअर मार्जिन है, तो फिर आपको ऑडिट करानी पड़ेगी। साथ ही दोस्तों 44ADA में फॉर्चुनेटली वित्त वर्ष 23-24 से ये भी कहा गया कि अगर आप 50 लाख की जगह 75 लाख तक की रिसीट भी रखते हैं स्पेसिफाइड प्रोफेशन होने में और आपके टोटल रिसीट का 5% से ज्यादा कैश रिसीट नहीं है, तो आप 75 लाख तक की रिसीट पर भी 44ADA का बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन आप इससे लोअर मार्जिन करना चाहते हैं या 75 लाख से ऊपर की रिसीट पे हैं, तो ऐसे दोनों सिनारियों में आपको टैक्स ऑडिट करानी चाहिए या करानी होगी। अब बात करता हूं दोस्तों 44AE टैक्स ऑडिट, ये जो सेक्शन है 44AE ये उन लोगों के लिए लागू है जो प्लाइंग हायरिंग लीजिंग गुड्स कैरेजेस में लगते हैं, यानी वो 10 तक गुड्स कैरेज व्हीकल बड़े अथवा छोटे ओन करते हैं, हैवी गुड्स व्हीकल या नॉन हैवी गुड्स व्हीकल, और उन्हें एक प्रेजम्प्टिव बेसिस पर मंथ इनकम रिलेवेंट व्हीकल की ऑनरशिप के बेसिस पे ऑफर करनी हो। मान लीजिए कोई करदाता कहता है कि नहीं साहब मेरी पर पर्टिकुलर व्हीकल इनकम उतनी नहीं है जितना 44AE कहता है, तो उसे ब्रेक करने पर उन्हें टैक्स ऑडिट करानी होगी, या जिनका 10 से ज्यादा गुड्स ओन्ड है और उनका टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट से 1 करोड़ प्लस या 10 करोड़ प्लस एज द केस में भी से एक्सीड करता है तो भी उन्हें टैक्स ऑडिट करानी। एफएनओ ट्रांजैक्शंस एंड टैक्स ऑडिट एक मजेदार कॉम्बिनेशन है और बहुत कंफ्यूजन रहते हैं, लेकिन सरल रूप में बोलूं तो ये कहूंगा कि एफएनओ टर्नओवर की जो कैलकुलेशन है वो नॉर्मल एस्पेक्ट से पूर्णतः अलग है। वो ये कहती है कि आपने जो एफएनओ ट्रांजेक्शन किए उनमें जो प्रॉफिट लॉस कमाया उसको एब्सोल्यूट टर्म में जोड़िए, कोई प्रीमियम खाया ऑप्शन बेचने से तो उसको जोड़िए, इस प्रकार जो टोटल टर्नओवर एब्सोल्यूट टर्म में निकलेगा यदि वो थ्रेशोल्ड लिमिट 1 करोड़ प्लस 10 करोड़ प्लस से ऊपर है तो टैक्स ऑडिट लागू होगी अन्यथा नहीं। मेरा ये मानना है कि एफएनओ ट्रांजेक्शन क्योंकि सारे
एक तरीके से बैंकिंग चैनल से ही होते हैं, और मैं ये मान लेता हूं कि आपने खाते में पैसा भी नकद नहीं जमा कराया, तो अगर आप 5% ऑफ कैश रिसीट ऑफ टोटल रिसीट, 5% ऑफ टोटल पेमेंट ऑफ टोटल पेमेंट का क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, तो 10 करोड़ तक के टर्नओवर पर भी एफएनओ की ऑडिट की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ये एक अंडरस्टैंडिंग यहां डेवलप की जा सकती है। दोस्तों, यदि आप पर टैक्स ऑडिट लागू है तो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट 30 सितंबर 2024 तक आपके चार्टर अकाउंटेंट द्वारा अपलोड हो जानी चाहिए और आपके पोर्टल से, आपके खुद के लॉगिन से वो एक्सेप्ट हो जानी चाहिए। ये दोनों इंपॉर्टेंट काम होने चाहिए। यदि आपने टैक्स ऑडिटर के उसके पर्टिकुलर लॉगिन से ऑडिट रिपोर्ट अपलोड होने के बाद एक्सेप्ट नहीं करी तो वो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट टाइमली फाइल की गई नहीं मानी जाएगी। साथ ही दोस्तों, यदि आप पर टैक्स ऑडिट लागू है 31 अक्टूबर 2024 तक, आपको अपनी आईटीआर भरना भी सुनिश्चित करना होगा। हालांकि यदि कोई बिलेटे रिटर्न कर दे पर उनकी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट टाइमली फाइल्ड हो तो इसके कोई पेनल कॉन्सिक्वेंसेस प्राइमा फेसाई टैक्स ऑडिट के संदर्भ में नहीं बनते। तो अंत में दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि टैक्स ऑडिट के विषय में बनाई गई इस वीडियो से आप असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए आप पर, आपके क्लाइंट पर या आपके किसी नोन पर्सन पर टैक्स ऑडिट लागू है अथवा नहीं वो डिटरमाइन करने में सक्षम होंगे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट में छोड़ देता हूं कि टैक्स ऑडिट की उपादेयता सेसी के पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, टैक्स ऑडिट की उपादेयता फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रेवेन्यू क्या है, ये क्वेश्चन तय करना बहुत जरूरी है और इस क्वेश्चन के आंसर पर डिपेंड करता है कि करदाता कब टैक्स ऑडिट कराना भी चाहते हैं या नहीं कराना चाहते, या कोई प्रोफेशनल टैक्स ऑडिट करना भी चाहता है या नहीं करना चाहता। तो आज के लिए यही समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।